हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दुर्गा पूजा अष्टमी मेकअप लुक। सो मैं एक बंगाली हूं एंड दुर्गा पूजा हम लोगों के लिए क्या है वो तो एक बंगाली ही समझ सकता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं एंड ये वीडियो मैं बहुत जल्दी लाती, लेकिन मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम आ गया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं। एंड आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी। अगर आप लोग कोई सा भी रेड एंड व्हाइट कलर की साड़ी पहन रहे हो तो भी आप लोग ये वाला लुक कैरी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। ये डे टाइम का लुक है लेकिन थोड़ा सा हेवी है क्योंकि दुर्गा पूजा है और अब नहीं मेकअप करेंगे तो कब करेंगे। सो इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड उसके साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना है ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं स्किन को थोड़ा सा प्रेप कर लूँगी एंड इसके लिए मैं पहले यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोजिप सेरम एंड उसको स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होने तक मसाज करना है। एंड ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन पे बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का सनस्क्रीन। जैसे कि ये डे टाइम लुक है इसके लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत स्किप करना। एंड फिर इसको भी मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी स्किन पे। सो ये हो गया स्किन प्रेप। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर। ये अच्छा खासा एक प्राइमर है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। सो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्राउज फिल करूँगी एंड उसके लिए वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड को लेके मैं आईब्राउज को फिल कर रही हूँ। एंड आईब्राउज को फिल करने के बाद में मैं एक स्पूली की हेल्प से आईब्राउज को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। एंड फिर आईब्राउज को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर। ये है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर एंड इसमें मेरा शेड है मुआन। एंड इसमें से ही मैं अपने आईलिड को भी प्राइम कर रही हूँ। एंड फिर मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है बहुत ही। एंड ये हो जाने के बाद में मैं मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से पूरे कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूँ। एंड फिर मैं आज एक नया आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। ये है द जैकलिन हिल पैलेट एंड इसका ये पीची शेड को मैं ट्रांजिशन शेड की तरह यूज़ कर रही हूँ एंड पूरे आउटर वी एंड क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसको ब्लेंडिंग 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 करना है। एंड उसके बाद मैं ये रेड शेड ले रही हूँ एंड उसको आउटर वी एंड क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं ये येलो शेड को ले रही हूँ एंड इसको मैं इनर वी पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा एक ऑरेंज एंड रेड येलो एक लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला आई शेडो मुझे। एंड उसके बाद मैं फिर वो रेड शेड ले रही हूँ एंड उसको थोड़ा सा मैं आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ जिससे कि अच्छा सा एक इंटेंसिफाई लुक लगे। एंड फिर उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे भी वो रेड शेड को अप्लाई कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट ये गोल्डन शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं एकदम आईलिड पे लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत ही हल्का सा। एंड नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड उसके हेल्प से एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसी की वजह से लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है आईलाइनर। एंड इसको अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ मैं। एंड फिर उसी का जो ब्राउ वाला सेक्शन आता है ब्लैक वाला, उसके हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा कलर दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कलर मस्कारा। एंड मस्कारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मस्कारा ये कंप्लीट हो गया।
एंड नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, एंड इसमें मेरा शेड है 310 सन बेज, एंड इसको मैं डॉट डॉट मोशन पे पूरे फेस पे लगा रही हूँ, एंड उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप लोग चाहो तो कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। एंड फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होगा, बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड करना, नहीं तो बिल्कुल भी पैची एंड केकी लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता। एंड हेयर लाइन पे भी बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड वाला, एंड उससे मैं अपनी अंडर आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, नोज़ पे क्यूपिड बो एंड चिन पे, फॉरहेड पे भी, एंड उसको मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। एंड ये हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये कंटूर एंड बनाना पाउडर में से बनाना पाउडर ले रही हूँ, एंड उससे मैं अपने जो मेकअप है उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। एंड फिर ये हो जाने के बाद में मैं वो कंटूर वाला पार्ट ले रही हूँ, एंड उससे मैं फेस को थोड़ा सा डायमेंशन दे रही हूँ। एंड ये मैं बहुत ही हल्का हल्का करती हूँ क्योंकि डे टाइम लुक है, एंड मुझे उतना ज़्यादा कंटूरिंग अच्छा नहीं लगता, बहुत ही हल्का हल्का अच्छा लगता है। एंड नोज़ को भी मैं थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ, नोज़ कंटूरिंग बहुत ही धीरे धीरे करना, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। एंड इससे मैं नोज़ को थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे रही हूँ, एंड जॉ लाइन पे भी मैं कंटूर कर रही हूँ। एंड ये हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, एंड ये एक कोरल पिंक वाला ब्लश है, एंड उसको भी मैं चिन एंड चिक्स पे यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का जो हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा धमाकेदार हाइलाइटर है, एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जो हाइलाइटिंग पॉइंट से। एंड हाइलाइटर ज़रूर लगाए, पूजा है एंड हाइलाइटर लगाना तो बनता है। एंड ये हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है मेबलिन का लिपस्टिक एंड क्रीमी मैट वाला लिपस्टिक। एंड नेक्स्ट इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक न्यूड शेड, न्यूड नुआंस, जिससे कि जो लिप्स है वो थोड़ा सा फुलर दिखे। एंड ये मेरा लुक कम्प्लीट हो गया है, एंड ज्वेलरी के साथ में ऐसा दिख रहा है। मुझे ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोगों को अगर इस रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज।